तो भाई सभी दोस्तों को राम राम। और गाइस फाइनली हम लोग आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ। कल भाई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए आज जल्दी से जल्दी मैं सोचा कि भाई वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी मस्त और काफ़ी ओसम होने वाला है। ठीक है, अब मेल बंडल देख लो, फीमेल बंडल देख लो, दोनों जबरदस्त है, बट फीमेल बंडल तो मैं दिखाता नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन है बहुत मस्त। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरा एंड तक कलेक्शन देखना है। साथ ही साथ गाइस उसके बाद जितने भी बंदे हमारे चैनल पर न्यू है, हमारा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे कर देना, ताकि गाइस हम जितने वीडियो लाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वैसे भी सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है आगे बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाने के लिए। तो आप लोगों को 20,000 सब्सक्राइबर का टारगेट दिया था, तो भाई आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो जितना हो सकता है शेयर करके भैया जल्द से जल्दी 20K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवानी है। और सबसे पहले गाइस अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो नहीं किए हो तो वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। क्योंकि भाई जितने भी वीडियोस आने वाली रहती है उसकी पोस्ट उसकी अपडेट सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम पे देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान भी रखना है कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मेरे नाम के बहुत सारे बंदे आपको फॉलो करेंगे, आपको मैसेज करेंगे। ठीक है, तो उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। अगर आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो तो सीधा सीधा ब्रॉडकास्ट चैनल देखना, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे बना के रखा है, वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड चैनल पे वीडियो आने वाली टीएससी यूनिट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो उसे भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा एक ब्लॉग चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भैया, एकदम उसे भी जाके आप लोग सब्सक्राइब करो और अपने भाई को जितना हो सकता है सपोर्ट करो। सबसे पहले हम लोग आज प्रोफाइल देखने वाले हैं, उसके बाद भाई इवेंट देखेंगे। तो यहाँ पे गाइस हमारे अंडर ये है, देख सकते हो यहाँ पे। एंड गाइस बंदा पूरा गोल्डन प्रोफाइल करके रखा है, पिछली बार का भैया पास नहीं ले पाया और इस बार का भाई अगर चाहते तो ले सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं भी ले सकते हो, बिंदास है ना। लक रॉयल की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे लक रॉयल पे वही सब चल रहा है, फॉरेस्ट फायर वगैरह ये सब तो पहले भी मैंने दिखाया हुआ था, अभी कुछ अपडेट्स नहीं है, बस अभी यही सब चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आर्मरी देखने वाले, उससे भी पहले गाइस हम लोग पेट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस यूजफुल पेट जो जो है उस वीडियो पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद गाइस बात करें कैरेक्टर की मेरे भाई, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर यूजफुल है सब है इस वीडियो पे, ऐसा कोई नहीं है जो यूजफुल हो यार ना हो। तो भैया ये सब जो है भाई फालतू है, वो सब ना भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद भाई आर्मरी देखेंगे, हर वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आर्मरी। ठीक है, तो इसका वीडियो तो हम लोग देखते ही देखते हैं, तो आज सबसे पहले देखेंगे। तो भैया M4A1 यहाँ पे देख सकते हो, ईवो है और लेवल 4 का भाई ने करके रखा, बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गाइस ब्लू फ्लेम ट्रैक को एक लेवल 7 का आपको इस वीडियो पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बहुत ही लाजवाब है भाई। ठीक है, उसके अलावा और भी है स्किन्स, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, एक से एक है। एंड गाइस द फ्लेमिंग ड्रैगन जो कि बहुत पुराना है, और आप लोग को पता है जब ईवो वगैरह नहीं आता था उस टाइम भैया इसका क्रेज था। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे ईग हंटर का M40 देखने को मिल जाता है, रेंज प्लस डैमेज। नहीं तो भैया यहाँ पे लवली बीस्ट वाला है ना, ये भी बहुत बढ़िया है भैया, ये भी मस्त है। उसके बाद गाइस यहाँ पे स्कार अल्टीमेट टाइटन टॉप इनक्यूबेटर का इस वीडियो पे देखने मिलता है, उसी के साथ यहाँ पे क्यूपिड भी है। तो भाई मतलब क्या बोलते हैं, स्वैग बोल सकते हो इसका। ठीक है, ये भी इस वीडियो पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद ग्रोजा ईवो आपको लेवल 1 का है, नहीं तो भैया ये विंटरलैंड वाला काफ़ी बेस्ट है, ईवो चाहो तो 3-4 कर सकते हो आराम से। फार्मस की बात की जाए तो यहाँ पे ये भी ईवो आपको इस वीडियो पे देखने को मिल रहा है। और भैया सबसे बड़ी बात क्या है पता है, ईवो तो देखने मिल रहा है लेवल 4 का मिल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे लेजेंडरी भी देखने को मिल रहा है, तो भाई एकदम प्लस पॉइंट है एआर में। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पे एक्समेड जो देख रहे हो आप लोग, ये भी लेवल 4 का है, भले ईवो मैक्स नहीं है बट लेवल 4 का हर एक है। ठीक है, A94 गाइस यहाँ पे काफ़ी तगड़ी वाली देखने को मिल जा रही है, डैमेज प्लस सिक्योरिटी के साथ है, एंड प्लाज्मा भाई ये भी बहुत ही बढ़िया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थॉम्सन भाई एक से एक है, और पाराफेल क्रेज है अभी, और भाई इस उतना खास इसमें पाराफेल नहीं है, बट पाराफेल की आवश्यकता कहाँ है भाई, यहाँ हमारे पास स्कार जो है सो तगड़ी वाली है। उसके बाद ये है काफ़ी ज़बरदस्त है, उसके साथ गाइस एसकेस जो कि हमारा फेवरेट है, डबल रेट ऑफ फायर। तो ये भी आप वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा होगा, तो दिल थाम के बैठना, एकदम मजे ले लेके देखना है। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे M249 देखने को मिल जाता है इस वीडियो पे, जो बेहतरीन है। उसी के साथ M60 गाइस यहाँ पे, ये भी काफ़ी मस्त है, एंड इसके अलावा ऑप्शन बने पड़े यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद भाई UMP की बात किया तो यहाँ पे ईवो है, और ये देख सकते हो आर्ट ऑफ वार, तो मुझे लगता है कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, यहाँ पे अपने हिसाब से बंदा यूज कर सकता है गेम प्ले के दौरान। ठीक है, उसके बाद गाइस MP5 ये भी आपको लेवल मैक्स का देखने को मिल जाता है। एंड गाइस ये कैंडी बनी वाली जो है ना भाई, ये भी लाजवाब है, तो ये भी आपको इस वीडियो में देखने मिल रहा है भाई, प्लस पॉइंट ही पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद डबल डैमेज का भाई BSS मिलते हैं देखने को, उसके साथ साथ और भी है, ये सभी चीज़ें आपको देखने मिल जा रही है।
वही बात करेगा इस MP40 तो भाई इंक्यूबेटर का टॉप जो है सो फ्लैशिंग जो है सो ये मिल जा रहा है येलो पोकर। तो भैया ये एंड गई सीबो लेवल 5 का है एंड बनी MP40 भाई क्रेजी बनी। तो भाई बंदे एक समय में इसके लिए पागल थे मतलब पूरा का पूरा, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया था इसको निकालते हुए। उसके बाद भाई यहाँ पे देख सकते हो थॉमसन, ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाती है। मेक 10 गाइस ये है एंड वेक्टर भाई देख सकते हो लुक भाई एकदम गजब का लग रहा है। उसके बाद गाइस M10 की बात की जाए तो M10 लवर के लिए बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे भाई इनक्यूबेटर का टॉप है एंड ईवो भी मैक्स है। बड़ी बात क्या बताया, ईवो भी मैक्स है भाई एकदम जबरदस्त। उसके बाद ये इनक्यूबेटर का है तो ऑप्शन और है आपके पास। उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करें M10-7 की तो सबसे पुराना ट्रॉपिकल पैरोट अभी भी बहुत सारे बंदों का फेवरेट है ट्रॉपिकल पैरोट, तो ये आपको इस वीडियो में देखने मिलता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे M10-7 जो कि भाई लेवल 4 का ईवो है, वन पंच मैन है, हैंड ऑफ हॉप एंड गाइस रेपर अंडरवर्ल्ड, तो भाई पूरा का पूरा भरा पड़ा इसमें। उसके बाद गाइस AWM वगैरह देख सकते हो आप लोग, जो PC प्लेयर है उनके लिए भी काफ़ी खास है, काफ़ी बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर डेजर्ट वगैरह एक से एक है। साथ ही साथ गाइस पेन की बात की जाए तो पेन आपको लेजेंडरी देखने को मिल जाता है, बैट वगैरह काफ़ी बढ़िया। और कटाना की बात की जाए तो कटाना गाइस आपको काफ़ी मस्त देखने को मिल जा रहा है, ठीक है, जो कि भाई काफ़ी औसम है। मतलब चौकदा कटाना आपको देखने को मिल रहा है, लगभग सभी लेजेंडरी है। उसके बाद ये भी है और गाइस यहाँ पे मतलब क्या क्या भर दिया यार पूरा का पूरा, मतलब गजब का इवेंट आता है एक से एक। उसके बाद अगर फिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको तीन तीन फिस्ट हैं जो कि बहुत ही बढ़िया, बाकी अपना हिसाब है, अपना अपना पसंद है। और यहाँ पे गाइस प्री ऑर्डर ग्लू वॉल है जो कि भाई बहुत सारे बंदों का फेवरेट है और टोटल जो ग्लू वॉल की स्किन्स है वो 34 है और 34 है मतलब भाई बवाल है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आपको इस वीडियो में देखने को मिल जा रहा है। और उसके बाद भाई अपन लोग और भी सबसे बढ़िया चीज़ देखने वाले जैसे क्रोसबो, भाई एकदम लेजेंडरी चीज़ है आप लोग को भी पता है, ठीक है, एकदम लेजेंडरी चीज़ है और बहुत रेयर चीज़ है, तो ये भी आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जा रहा है। हम लोग क्या देखने वाले, बंडल कलेक्शन जो कि बहुत ही औसम है और बहुत ही लाजवाब। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे इनक्यूबेटर का सेकंड टॉप बंडल ये देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस आर्टिक ब्लू बंडल तो बहुत ज़्यादा बंडल है, मैंने पहले बोला फीमेल के भी बंडल तगड़े तगड़े, चलो एक झलक में फीमेल बंडल का भी दिखा दूंगा। व्हाइट चोटी इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइस ये यहाँ पे स्कूल कैप्टन बंडल जो से अज्जू भाई का वाला फेवरेट ये भी मिलता है। एंड गाइस ये देख सकते हो फ्लाइमिंग रेड इनक्यूबेटर का टॉप है ये भी है। और डॉक्टर सिंडी बंडल गाइस ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जा रहा है, 4 मल्टी कलर के साथ देखा जाए तो ये बंडल। एंड गाइस ये बोया पास के बंडल आपको इस वीडियो में देखने को मिले, बंदा लगभग बोया पास लिया हुआ है, मैंने पहले बोला था। और बोया पास की खासियत बता दूँ तो आप लोग चाहो तो भैया इसका जो है सो लेवल अप कर सकते हो, उससे क्या होगा इसके कलर्स चेंजेस होंगे प्लस में भाई इसका लुक भी थोड़ा चेंजेस होगा। ये हर एक बंडल जो दिखा रहा हूँ सब बोया पास के बंडल है, हर एक बंडल भाई बोया पास का, ये सब देख सकते हो यहाँ पे, काफ़ी लाजवाब और काफ़ी बेहतरीन भाई बोया पास के बंडल्स हैं। ये Season 2 बोया पास का है मेरे ख्याल से, चलो आगे और भी दिखाने वाला हूँ मैं। इनक्यूबेटर के काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन बंडल्स जो हैं वो देखने को मिलता है। और ये जो दोनों बंडल्स हैं रिटर्न में आए हुए थे, लेकिन अगर ये दोनों बंडल किसी के पास है मतलब समझ जाना जब सबसे पहले इवेंट आया था ना उसी टाइम से बंदे के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों निकल रहा था इवेंट में, बाकी तो दोनों एक साथ कभी मिला ही नहीं है। उसके बाद ये वाला बंडल भाई बहुत ही फेवरेट बंडल है भाई, मतलब जबरदस्त बोल सकते हो, ये भी है। और इनक्यूबेटर के बहुत सारे बंडल्स हैं, मैंने पहले बोला वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि आराम आराम से दिखा रहा हूँ, तो भैया वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इलिट पास भाई बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें, जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे ट्रैप ट्रिल Season 21 का इलिट है और उसी टाइम पे मिस्टी शॉप पे आया हुआ ये बंडल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जा रहा है। अभी जैसे मैंने फ्लेमिंग रेड वाला इनक्यूबेटर टॉप दिखाया था उसी का लास्ट बंडल ये है। और जो गोल्डन सेट का बंडल है ना गाइस, तीनों का तीनों इस वीडियो पे है, गोल्डन सेट, नेवी सेट और पेंथम समुराई, तीनों का तीनों बंडल इस वीडियो पे है, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है। और भाई बहुत कम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तब जाके ऐसा वीडियो बन पाता है, ठीक है। उसके बाद गाइस ठग पेंट जो कि बहुत सारे बंदों का फेवरेट है ये भी इस वीडियो पे। एंड गाइस यहाँ पे ये वाला जो है ना भाई सर्फ राइडर, ये तो भाई मेरा फेवरेट है। एंड विंटर रिलीफ तो ये भी आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पे ये जोकर जो बंडल आप लोग देख रहे हो, आज की बात नहीं है बहुत पहले, ये एशियन स्कार्प इस वीडियो पे देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे गाइस जॉम्बी समुराई बनी बंडल जो कि भाई बहुत ज़्यादा जबरदस्त है। उसके साथ गाइस ट्रेवल स्कार्प, तो भाई जो कॉम्बिनेशन होता है ना भाई एकदम लाजवाब वाला, यहाँ पे गाइस बोया पास का Season 1 इस वीडियो पे आपको देखने को मिल जा रहा है। उसके साथ साथ पुराने एलिट पास है, ऐसी बात नहीं है भैया, एकदम पुराने पुराने एलिट पास है, जैसे Season 11-12 से बंदा प्ले कर रहा है, ठीक है, ये Season 11 है।
तो बंदा सीजन 11 से रेगुलर लगभग जो भी है बुया पास है या फिर भाई यहाँ पे लिट पास है, हर एक चीज आपको इस वीडियो पे देखने को मिल रहा है। आर्टिक ब्लू बंडल तो भाई है ही, ठीक है, तो उसमें कोई शक है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे इनक्यूबेटर का ये सेकंड टॉप है मेरे भाई, ठीक है, और ये थर्ड वाला मैंने बता ही दिया था, ये भले अभी शायद मैजिक क्यूब में दिया हुआ होगा ये वाला, ठीक है, इसका सेकंड टॉप भी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक से एक है, जैसे ये देख रहे हो ना, ये भी इस वीडियो पे है, ये वाला तो आप लोग को पता ही होगा भाई, ये भी है, मतलब गोल्डन समुराई इनक्यूबेटर का टॉप है। तो भाई बहुत सारे बंडल्स हैं, कम नहीं बोल सकते आप लोग, बहुत ज़्यादा हैं, और वाइट शैडो भी है। तो इवेंट्स का जो बंडल है ना भाई भरपूर है, पूरा का पूरा यूजफुल बंडल है, ऐसा बात नहीं है फालतू फालतू बंडल हो जाए, तो ऐसा नहीं है भाई। टोटल जो बंडल है 657 है, 657 आप लोग समझ सकते हो भाई, 657 कम नहीं होते। ब्लैक टी शर्ट्स वगैरह हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जा रहा है, ठीक है, मतलब ऑसम बोल सकते हो, अमेजिंग बोल सकते हो, लाजवाब, ये भी इनक्यूबेटर का टॉप है, ठीक है, तो ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आप लोग को देखना बाकी है। मैंने पहले बोला था हो सकता है गर्ल्स का भी थोड़ा बहुत दिखा दूंगा, तो उससे क्या होगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, बट भाई एकदम मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। जो गर्ल्स होंगे, बहुत सारे गर्ल्स बोलते हैं मेरे को कि गर्ल्स की जो वीडियो होती वो भी दिखाया करो, बट भाई उतना समय नहीं मिलता, और अभी 5G चल रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा भाई मतलब क्या ही बोलूं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद भाई एक से एक बंडल्स हैं और काफ़ी लाजवाब बंडल्स हैं। जोकर तो है ही, मैंने पहले बोल दिया था, जो कि भी रिटर्न पे भी आया हुआ था, बट भाई सबके पास तो होगा ही नहीं, ठीक है, और ये इसमें जो है सब बहुत पहले से था भाई, मतलब ऐसा नहीं बंदा न्यू इवेंट कंप्लीट करा है, वैसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे ये सब देख सकते हो, हर एक बंडल है, मतलब इवेंट भरपूर मात्रा में बंदे ने निकाला हुआ। ये जो फेडेड व्हील पे आया हुआ था मैंने स्पिन किया था, मेरे में फर्स्ट में फ्री में मिल गया था, ठीक है। उसके बाद ये पुराने टी शर्ट से सीजन 10 वगैरह के, और बंदा पुराना प्लेयर, मैंने पहले बोला सीजन 11 से बैक टू बैक लिया हुआ है, लीड पास बोया पास हर एक चीज़ है। उसके बाद भाई टी शर्ट्स वगैरह देख ही सकते हो, अभी आगे और भी देखना बाकी, बहुत लाजवाब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ये सभी टी शर्ट्स आपको देखने को मिल जाती है, ये हो गया हमारा। उसके बाद भाई पेंट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर जूते की बात की जाए जूते भी बढ़िया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भाई एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं बहुत तगड़ी वाली, उसके बाद भाई हम लोग आगे दिखाने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, और भाई ये ले लें, ये बढ़िया लग रहा है। अब तो इमोट की बात की जाए ना गाइस, तो यहाँ पे आपको 96 इमोट देखने को मिल रहा है, जिसमें से कुछ इमोट्स परमानेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैक्स इमोट देखने को मिल रहा है MP5 का, M10 मैक्स इमोट, यहाँ पे गाइस MP मैक्स इमोट, और भैया क्या ही बोले, तो भैया ये भी मैक्स इमोट है, मतलब टोटल 4 मैक्स इमोट आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। और स्कार जो था नहीं, इसमें नहीं है, मतलब 4 ईवो मैक्स इस वीडियो पे देखने मिल रहा है, और स्कार तो भाई टॉप ही है, ईवो तो है नहीं, ठीक है, और 96 इमोट कम नहीं होते। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो, 3 इमोट परमानेंट है, मतलब 90+ इमोट आपको इस वीडियो पे देखने को मिल रहा है। और आप लोग को पता है 90+ जो इमोटी है ना भाई, 90+ इमोटी करने में बंदे लोग की हालत ख़राब हो जाती है भाई, मतलब इतना इमोट बंदा अगर करके रखा है तो वो भी मामूली बात नहीं बोल सकते, ग्लूवॉल 34 मामूली बात नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अभी और भी बात बाकी है, आगे देखना। ये CR7 हर एक इमोट आपको लगभग जो भी बंदों का पसंद है, जो भी बंदों का फेवरेट इमोट्स है, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जा रहा है। ये वाला देख सकते हो, ये भाई मतलब ये बैक जंप मून फिलिप ये सब है। उसके बाद गाइस डेविल्स मूव, हर एक चीज़ है, ये सीजन 13 का एलीट पास का जो है ना इमोट वो है, और ये भी भाई एलीट पास का इमोट है, तो काफ़ी लाजवाब, ये सब देख सकते हो, गजब का लग रहा है पूरा। और एनिमेशंस की बात करें भैया, जैसे ग्रुप में बंदे हीरो वाली एंट्री लेते हैं तो भाई एक से एक एनिमेशंस है, एकदम लाजवाब, आपको 100% पसंद आ जाएगा, हर एक एनिमेशंस पसंद आपको आने वाला है। लुक चेंजर की बात करें तो रैम्पेज लुक चेंजर है, जो कि ये भी बहुत सारे बंदों को चाहिए ही होता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आगे देखें, स्किल्स वगैरह छोड़ो, बैकपैक की बात की जाए तो सीजन 1 का बैकपैक है, जो कि इवेंट में बंदा अगर निकाला था नहीं, तो ये भैया सबका फेवरेट है, ये भी है, और भाई कम नहीं है। लूट बॉक्स वगैरह एक से एक है, यहाँ पे स्काई बोर्ड यहाँ पे एक से एक, मतलब भाई ये देखो एनिमेशंस देख सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे हम लोग भाई मतलब एरोप्लेन से जाते गेम में लैंड करते, तो वहाँ अगर इसे एक क्यूब करके रखते हो तो यही आपको शो होने वाला, नहीं तो ये भी स्काई बोर्ड है, एक से एक है। उसके बाद भाई मर्सरीज वगैरह की स्क्रीन देख सकते हो, 20 होंगे यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद यहाँ पे ये सभी चीज़ें देख सकते हो, एक से एक है। प्रोफाइल की बात करें, CN3 का बैनर लगा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए कि भले अवतार लगा हुआ है, बैनर अगर देखा जाए तो बंदा कितना पुराना है वो तो भाई आपको बैनर से पता चलेगा, हम लोग स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। और स्क्रॉल करने के बाद भाई सबसे नीचे जाना है, और वहाँ से पता चलेगा बंदा कितना पुराना प्लेयर है, क्योंकि जब से बंदा प्ले कर रहा होगा भाई आप लोग को रैंक सीजन का मिला ही होगा, CN8 का प्लेयर है भाई, मैंने पहले बोला था CN8 का प्लेयर, आप लोग देख सकते हो। अदर की बात की जाए तो यहाँ पे स्टोन भाई 10 है, और ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही है, जैसे ये हर एक चीज़ें मैंने बोला था भाई गर्ल्स का थोड़ा सा दिखा दूंगा। तो चलो सबसे पहले ये ले लेते हैं,
और भाई बवाल चीज है एकदम पूरा का पूरा। 657 गर्ल्स के बंडल है भाई, कम नहीं होते, ये भी है। और ये तो पता ही आप लोगों को भाई, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आपको उस वीडियो में देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बंडल भाई एकदम लाजवाब लाजवाब है, उसमें कोई शक नहीं है भाई, एकदम एक से एक है, आप लोग खुद ही देख लो भाई, दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। ये यहाँ से देख लो आप लोग, ये सभी चीज़ें आपको गर्ल्स के जो बंडल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाता है, और काफ़ी औसम, काफ़ी लाजवाब, एकदम काफ़ी ज़बरदस्त है। ये सब इस वीडियो पे आपको देखने को मिल रहा है, गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों के हैं, देखो एकदम ओपी ओपी वाले हैं कि नहीं। तो भैया गर्ल्स का मैं दिखाता नहीं हूँ, बट आज मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी मस्त और काफ़ी ज़बरदस्त के साथ है ये भी, और मुझे लगता है भाई एकदम हैवी वीडियो आज की है, क्योंकि भाई लाजवाब है। चलो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तो चलो बाय, टाटा। खाओ माँ कसम।